हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ। ये हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है। आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा रूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपके हेयर फॉल होता है आपके ईयर से, या फिर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आपके ईयर्स डैंड्रफ है ईयर्स में, तो ये हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को ये हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और मैंने ये हेयर ऑयल करके और मैंने इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रही थी और अब आप मेरे ईयर्स देख सकते हो, मतलब ये शाइनिंग भी लाता है आपके ईयर्स में और आपके ईयर्स एकदम अच्छे से मतलब अच्छा बना देता है। अगर आपको आपके ईयर्स में स्प्लिटेड एंड्स हैं और आपके ईयर्स को हमेशा आपको ऐसे हेयर ऑयल्स लगाने चाहिए जो कि आपके बालों की लेंथ के लिए अच्छे हों। आपकी लेंथ को भी प्रोवाइड करेगा ये हेयर ऑयल और आपके हेयर्स के जितनी भी प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको ये हेयर ऑयल 2 times लगाना है। वीक में 2 times आप ये हेयर ऑयल लगाएंगे तो आपके हेयर्स से हेयर फॉल एकदम से गायब होगा। मतलब आप इसको लगाते रहिए, कंटिन्यूसली लगाइए, मतलब कंटिन्यू ही रहना है इस ऑयल के साथ। वैसे मैंने बहुत सारे 2 से 3 शायद मैंने किए हैं ऑयल पर, मतलब वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो करिए और मतलब देख सकते हो। आप हेयर ऑयल डालेंगे तो शायद आ जाए रिचा रॉय डालकर, फिर आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। तो ये हेयर ऑयल, वो वाले हेयर ऑयल्स भी बहुत अच्छे हैं और ये वाला भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कोई किसी भी तरह की अगर वो वाली प्रॉब्लम है तो उस तरह के हेयर ऑयल्स आप सूट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो यूज़ करके। अगर आपको ये वाला हेयर ऑयल अच्छा लगे तो आप ये वाला हेयर ऑयल आप यूज़ कर लीजिए। और मेरा मेकअप आपको कैसा लग रहा है? ये मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है और मैंने ऐसे ही कर लिया। मेरा मन कर रहा था कि मैं आज मेकअप कर लूँ तो मैंने, और मेरे आपको ये कैसे लग रहे हैं कान वाले इयररिंग्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप लोगों ने इससे पहले कि आपको मैं बताऊं कि ये कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, तो प्लीज़ मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करने में, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करना तो बनता ही है फ्रेंड्स, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको भी इंजॉय कर पाएंगे और देख पाएंगे कि मैंने कौन सी चीज़ों को, मतलब अगर आपके हेल्पफुल हुआ आप लोगों के लिए वो वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऑयल कैसे बनता है। बस बहुत सिंपल सा बेस है, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने ऐड की हैं, आपको ये घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी। और हाँ फ्रेंड, मैंने अनियन ऑयल हर ऑयल्स में डालती हूँ, मतलब अपने हेयर ऑयल में डालती हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिए कि आप जो भी ऑयल लगा रहे हैं तो उसमें आप हमेशा अनियन ऑयल जूस ही ऐड करें, क्योंकि आप जब ऑयलिंग करते हैं ना तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो आपके लिए ये वाला जो अनियन ऑयल तो फ्रेंड्स, इस हेयर ऑयल के लिए हमें चाहिए, मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। ये अपने हेयर के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, जितने आपके हेयर होंगे आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। और मैं ले रही हूँ ये पैरासूट का नारियल तेल ले रही हूँ मैं, ये वाला, तो ये भी मैं 1 spoon ले लूँगी। और ले रही हूँ मैं ये आंवले का ऑयल है, ये आंवला ऑयल है, ये है निहार शांति जो ऐड आता है उसका, तो मेरे पास यही है, छोटा वोटर है तो मैं यही ले लेती हूँ, बस इतना ही लूँगी। और मैं लूँगी एक इवियन का एक कैप्सूल, तो मैंने इसको पहले से ही काट के रखा हुआ था तो मैं 1 ले रही हूँ ये। और अगर आपके हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो।
और ये इसमें मैं ले रही हूँ, ये है, ये अनियन जूस है। मैं ये सारा ले लूँगी क्योंकि मुझे अनियन जूस डाल के बहुत अच्छे से अच्छा लगता है, ज़्यादा अनियन जूस। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तब तक जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक आप इसको मिक्स करते रहिए। और एक डबल बॉयलर पानी में ये मैंने गुनगुना पानी है, गुनगुना नहीं मतलब बॉइल्ड पानी है, तो मैं उसमें इसको रख देती हूँ। तो ये अच्छे से गर्म हो जाएगा और मैं चलाती रहूँगी। तो मैं एक हाथ से बना रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं अभी इसको चला लूँगी बाद में। तो इस तरह से आप इसको रखा रहने दीजिए थोड़ी देर। अगर आप इसको रखा भी रहने देते हैं तो भी आपके जो ऑयल्स हैं वो सारे अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अनियन जूस ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस वजह से मैंने ज़्यादा गर्म पानी नहीं लिया है। तो मैं इसको अभी अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है आपके हेयर में, एकदम आपकी हेयर की ग्रोथ तो बढ़ाएगा ही, और आपके जो लेंथ है वो भी बढ़ाएगा, और आपकी जो बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा होगा, तो वो भी इससे कम हो जाएगा। आप इसको हफ्ते में मतलब वीक में 2 बार इसको अप्लाई करिए, ये वाले हेयर ऑयल को। बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है ये मैं बहुत दिनों से इसको अप्लाई कर रही हूँ, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। तो चलिए मैं इसको मिक्स करके फिर मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, पहले अपने बाल अच्छे से सुलझा लीजिए, एकदम आपके ट्रायंगल फ्री होने चाहिए ईयर। तो मैंने अपने ईयर को बिल्कुल ट्रायंगल फ्री कर लिया है, इसके बाद मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी। मेरा ऑयल अच्छे से रेडी हो गया है, देखिए सब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। तो अब मैं इसका ऑयलिंग कर लेती हूँ। मैं ऐसे स्पून से ही डालती जाऊँगी, और एक एक आप इस तरह से निकालते जाइए मांग, और इसको आप डालते जाइए। बाल में आपके अच्छे से, तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने अपने ईयर में ऑयलिंग कर ली है और इस तरह से, और मैंने स्टीम भी कर ली है अपने बालों में। और अब मैं इस तरह से ही छोड़ दूँगी, मैंने इसमें क्लचर वगैरह लगा लिया है, और इस तरह से एक ये बैंड आता है, तो मैंने कवर बैंड है ये ईयर्स का, तो मैं ऑयलिंग के बाद इसी तरह से इसको लगा लेती हूँ ओवरनाइट के लिए, क्योंकि अच्छे से बाल कवर रहते हैं इससे, और मेरा फ्लो भी नहीं ख़राब होता है फ्लो कवर। तो मैं आपसे मिलती हूँ सुबह में, जब मैं वॉश कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ईयर्स कितने अच्छे हो जाएंगे इसके बाद। और आपके ईयर जब आप ये ऑयल हमेशा इसको लगाते रहेंगे, बीच में 2 बार लगाएंगे, तो आपके ईयर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और आपके ईयर्स को। तो आप लोगों ने देख लिया है फ्रेंड्स कि इसको मैंने कैसे बनाया है और किस तरह से इसको अप्लाई किया है अपने ईयर्स पर। तो आप लोग इसको हमेशा इस तरह से आप हफ्ते में मतलब वीक में आप 2 बार इसको अप्लाई करिए और यूज़ करिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सूट कर रहा है या नहीं। वैसे तो ये सारे ईयर्स के लिए, जो भी आप कैसे भी आपके ईयर्स होंगे तो उनको सभी को सूट करेगा ये हेयर ऑयल, और बहुत ही अच्छा है। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं क्योंकि फैन भी मैंने चलाया हुआ है और एसी मेरा ऑन है, तो इस वजह से मेरे बाल ज़्यादा उड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, उड़ने दीजिए। और मेरे हेयर्स देख लीजिए आप, मेरे हेयर्स कितने शाइनी हैं। और अभी मैं बाहर गई थी, आप भी जानते हो कि मैं बाहर से आ रही हूँ, तो मेरे ईयर्स वहाँ पर इतने ज़्यादा वहाँ पर काम चल रहा था, तो मेरे ईयर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है मुझे, क्योंकि मेरे ईयर में अगर थोड़ा भी धूल मिट्टी या कुछ भी
कुछ होता है ना तो गंदगी थोड़ी सी भी जाती है ना तो मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो मैंने वही किया कि मैं वहाँ पर अनियन जूस को नहीं ऐड कर पाई ऑयल में। ऑयलिंग की मैंने लेकिन अनियन जूस नहीं ऐड कर पाई क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं ये इस तरह का ऑयल में बनाऊँ और मैं अपने इसके लिए यूज़ करूँ। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और सब्सक्राइब करने में भी आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे और लाइक करने में भी आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बिल्कुल ही फ्री होता है, ये सारी ही चीज़ें, सारा ही प्रोसेस बहुत ही बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको आराम से कर सकते हो और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और ये जो वेदर चल रहा है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मुझे बहुत गंदा लगता है ये वेदर। मतलब कि ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है, रेनी सीज़न है लेकिन रेनी सीज़न में कुछ भी अता पता नहीं होता है। तो अगर बारिश हो तो बारिश में नहाने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब बारिश में भीगो ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो ये इसका मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश हो और मैं भीगूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश में भीगना। आप लोग किस चीज़ को अच्छा लगता है भीगना बारिश में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करिए, आराम से कमेंट हो जाता है। अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।